हाय गाइस, कमल बत्रा दिस साइड। सो गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि TDICT का मैंने आपको माई फ्लोर दिखाया था, मैंने आपको एक्सप्रेस सिटी का फ्लैट दिखाया था, मैंने आपको सोनीपत में एक रेजिडेंशियल होम दिखाया था 350 गज का। तो उनमें से TDI का थोड़ा सा बेटर नहीं लगा था, बाकी एक्सप्रेस का भी ठीक था और वो 350 गज वाला भी बेटर था उससे। तो आज मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ OMX City का विला है ये। सिर्फ विला आपको पता होगा ग्राउंड फ्लोर पे ही बना होता है सिर्फ, और इसका जो लोकेशन है, लोकेशन इसकी पड़ेगी लगभग मुरथल सोनीपत में। आप जानते होंगे मुरथल के ढाबे फेमस है, सोनीपत सुखदेव ढाबा और ये सब जानते होंगे। तो उसके नियर अबाउट लगभग ये मान लो 2.5-3 किलोमीटर की रेंज में है ये नियर टू मुरथल, और GT रोड के बिल्कुल 700-800 मीटर दूर है लोकेशन इसकी जो है। तो गाइस, इसमें क्या है, इसकी कॉस्टिंग जो है लगभग 30-32 लाख इसकी है कॉस्ट विला की, और एरिया इसका है 180 गज। और लुक वाइज मैं आपको दिखाऊंगा इसका, मैं स्टार्ट करता हूँ बरामदा से। ये इसका बरामदा हो गया, बरामदा आप देख लीजिए। और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ हुआ है इसके अंदर बिल्डिंग में, कोई ज़्यादा बहुत बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, उन्होंने एवरेज ठीक है कुल मिला के। आ जाओ अंदर, आ जाओ। इसमें थोड़ा सा एक दो जगह, मतलब वैसे तो देखो क्वालिटी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी थोड़ी सी आप देखो ये पपड़ी सी जड़ रही है। खैर, ये थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर मकान में आ जाती है, ऐसी कोई बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, तो हमें खुद ठीक करवा सकते हैं, ऐसी कोई नहीं। और इसको बने हुए भी लगभग ये मान लो 8-10 साल इसको हो चुके हैं, तो 8-10 साल में अगर छोटी मोटी सीलन आ रही है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाती है मेंटेन, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मैंने आपको ये दिखाया था, ये रूम है, और ये रूम हो गया, और उसके अलावा एक ये रूम हो गया, और एक ये रूम हो गया। इसके अंदर क्या है, 3 रूम हैं, एक किचन होगी और एक लॉबी होगी। और टॉयलेट की बात करें तो इसमें टॉयलेट एक है, तो इसमें टॉयलेट मैं दिखाता हूँ आपको, टॉयलेट का एरिया दिखाओ कितना क्या है, देखो आगे। तो टॉयलेट ये, इसमें एक टॉयलेट हो गया, और टॉयलेट की बात करें तो इसमें एक टॉयलेट हो रहा है, दूसरा टॉयलेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला ओपन टॉयलेट था, ये वाला अटैच टॉयलेट है, ये रूम हो गया, और इसके साथ ही अटैच टॉयलेट है, ये अटैच टॉयलेट हो गया इसके साथ। तो कुल मिला के मैंने आपको इसमें पूरा दिखा दिया इसके अंदर क्या है। सो गाइस, इसमें क्या है, ये ओपन किचन है, किचन वैसे तो देखो बेस्ट है, पर इसके अंदर चक्कर ही है, इसकी जो दीवारों की जो सीलन है ना थोड़ी सी कच्ची है, मतलब वैसे तो ठीक है, मतलब इसमें कोई मैं ज़्यादा कमी नहीं निकालूंगा, और कमी है भी नहीं इतनी ज़्यादा कोई, पर यूँ बीच में क्या था, ये RO हमारा गिर गया था, पता नहीं दीवार का फॉल्ट था या RO का फॉल्ट था, वो तो हमें समझ नहीं आया, पर गिरा जरूर था इसमें RO, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने आपको 2 रूम दिखाए, एक लॉबी होगी, एक ओपन किचन होगी, उसके बाद ये जो है लास्ट रूम है। रूम का एरिया मैं दिखा देता हूँ आपको कितना एरिया है इसका। तो इसका एरिया है लगभग, इसका जो एरिया है सेकंड वाले रूम के रेसिप्रोकल ही है, उतना ही एरिया है लगभग। और अगर ये रूम हो गया, इसकी बैक साइड में एक बरामदा भी है, बरामदा भी मैं आपको दिखाऊंगा, चलो बरामदे में लेके चलो भाई। ये इसके जो बैक साइड में जो बरामदा है, ये बरामदा है इसके बैक साइड में, खोल के अभी यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। तो बरामदा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो घास उगी पड़ी है, हालांकि मेंटेन नहीं हो रखा है बिल्कुल भी, आप देखो ये बरामदा बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। पर ये है कि अभी इन्होंने जो मकान मालिक है, इन्होंने इसको रेंट पे दे रखा है, इसका लगभग आई थिंक 10-11 हज़ार पे रेंट होगा। अगर आप जैसे मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी कॉस्ट भी लगभग 30-32 लाख रुपये के अप्रोक्स है, 30-32 लाख रुपये का लेके आप इसको रेंट पे चला सकते हो, या खुद रहना चाहो रह भी सकते हो। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ TDI और एक्सप्रेस से, तो TDI से तो बेटर है, पर एक्सप्रेस जितनी क्वालिटी इसमें आई थिंक नहीं पाएगी, एक्सप्रेस जितनी क्वालिटी इसमें नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको रिव्यू दिखा दिया, कुछ एक ड्रॉबैक्स और कुछ एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स की बात करेंगे कि इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। तो पॉजिटिव का अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पॉजिटिव तो ये है कि जो है लोकेशन, जो इसकी विला की जो लोकेशन है वो एक ऐसी लोकेशन में है जो आसपास कोई भी पोल्यूशन नहीं है, एक अलग सी लोकेशन में है। अगर आप इसके बाहर देखोगे विला के तो इसमें काफ़ी ग्रीनरी है, ऑक्सीजन लेवल आपको अच्छा मिलेगा, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। और मार्केट का अगर आप पॉजिटिव लेके चलो तो इसमें मार्केट भी लगभग इसकी बैक साइड में है, कोई मार्केट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको इसमें। ये हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट। और इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें ये लगा कि जो ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो इसमें सीढ़ियाँ नहीं है कहीं भी। अगर मतलब आप चाह रहे हो कि भाई ऊपर चढ़ना है तो कोई सीढ़ियाँ नहीं है, या तो आपको सीढ़ियाँ अपने लेवल पे खुद लगवानी पड़ेंगी,
या फिर वो प्लास्टिक वाली अरेंज करो, है कि नहीं। और अगर वही सीढ़ी की एक दिक्कत है आपको, ये दो, ये तो दिक्कत है ही। और उसके अलावा थोड़ा सा आप, अगर आप आपने रेडीमेड खरीदा है ये, तो उसके अंदर आपको एक लूज पॉइंट और ये दिखेगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेज है ना, ये देखो ये स्विच है, इसमें कहीं भी वो नहीं है कि आप इसमें प्लग लगा पाओ। और जो जो भी स्विच में प्लग लगा आप लगा सकते हो, वो मोस्टली ग्राउंडेड है, वो देखो ग्राउंड पे है बिल्कुल, तो इंसान को नीचे बैठना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है गिने चुने, और बाकी क्वालिटी वाइज ठीक है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें क्या है, टोटल तीन तो हो गए रूम, 1 2 3, तीन रूम हो गए, दो टॉयलेट हो गए, एक लॉबी होगी और एक ओपन किचन होगी, और एक बरामदा बैक साइड में है और एक बरामदा फ्रंट में है। तो गाइस इसमें ये है स्पेसिफिकेशन इसकी।